गाइस ये देखो कैसे कैसे लोग हैं, खूबसूरत कन्याएं देख रही हैं। ओ तेरी बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी हम नीचे जा नहीं सकते। को मिल गया रास्ता, ये अब हंस रहा है, अब हंस रहा है। तो हे गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब बड़े होंगे, मजे होंगे, मौज करोगे। और भाई गैस करो तुम्हारा भाई कहाँ पे है, नेपाल से आने के बाद मैं एक दिन गैप करके, पहले गैस कर लो। भाई मैं हूँ जयपुर में और अभी अपन आए कचौरियाँ खाने, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। लक्ष्मी नमकीन भंडार। तो भाई ये आ गई अपनी कचौरी और ये रहा समोसा। और मखदूम ने क्या लिया है, कचौरी। फटाफट इसे खाएंगे और ये अपना लस्सी भंडार है, पहले खा लेते हैं कचौरी। तो भाई ये है यहाँ की शर्मा जी की स्पेशल लस्सी। गाइस ये यहाँ का फेमस है और बहुत अच्छी कचौरी थी, बहुत अच्छा समोसा था लक्ष्मी नमकीन भंडार का, और लस्सी भी बहुत बढ़िया थी। और बाकी अब अपन निकलेंगे हवा महल की तरफ। गाइस ये देखो कैसे कैसे लोग हैं, मतलब ये फॉरनर है, लोग क्या है फॉरनर है, देखो कहाँ चल के फोटो क्लिक कर रही हैं। और ये रहा हवा महल। सो गाइस ये है पार्किंग हवा महल की, है ना, यही है ना पार्किंग। अभी अपन को पैदल जाना पड़ेगा। तो भाई गाड़ी हमने पार्क कर दी है, अब हम निकल गए हैं हवा महल की तरफ और थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ पे, तो चल रहे हैं पैदल पैदल और खूबसूरत कन्याएं देख रही हैं। सो गाइस ये रहा हवा महल, ये इसकी बैक साइड है ना। हाँ ये इसकी बैक साइड है, फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड है, बैक साइड है, फ्रंट है, बाकी इसकी एंट्री वहां से। चलो तो गाइस एंट्री भी आपको हम दिखाते हैं। कुछ ऐसी है हवा महल की एंट्री। भाई मैं चार बार आया जयपुर लेकिन एक भी बार अंदर नहीं गया, लेकिन आज जा रहा हूँ। लेकिन ऐसी प्लेसेस पे आ गए ना बड़ा मजा आता है, एक अलग फील सी लगती है, पुराना सब कल्चर देख के ना गाइस। ये रास्ता तो हम पार्किंग से भी रास्ता था। यार पार्किंग से भी रास्ता था, यही तो गाड़ी नहीं, नहीं 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 ये नहीं है, ये नहीं है, उधर ये क्या है, ये ज्यादा बढ़िया गेट था उधर भाई, ये वहां से वो गोल चक्कर से पहले से कोई बात। सो गाइस टिकट है यहाँ पे और 52 का है पर पर्सन। सो गाइस टिकट तो अपन ने ले ली, ये थी मखदूम के हाथ में और चल रहे हैं अंदर। अब अगर अंदर जाके हवा नहीं आई तो फिर बेकार है हवा महल। चेकिंग है यहाँ पे भी। सो भाई कुछ ऐसा है हवा महल। टॉप पे चलना, काश मैं राजा के टाइम पे आया होता यहाँ पे तो मुझे बहुत सारी दासियां मिल जाती यहाँ पे। ज़्यादा
टॉप पे चलना है बस। पहले वैसे बाहर बता दिया गया था कि हवा महल में सिर्फ कुछ नहीं है, ये ऐसी खिड़कियां हैं, यहाँ से बस ऐसे देख सकते हैं, ऐसी खिड़कियां हैं यहाँ पे, दिखाओ कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? ओ तेरी, सही है भाई, हवा महल बहुत बढ़िया है। तो भाई कुछ ऐसा है हवा महल, बस ऐसी विंडोज हैं, इसके बाहर आप देख सकते हैं व्यू, और बाहर तो कुछ और ही व्यू था। तो अभी अपन टॉप पे चलते हैं, फिर देखते हैं गाइस ये ऊपर जाने की एंट्री। और अपना जुबा केसरी यहाँ पे भी है भाई, गर्मी बहुत है जयपुर में यार, हम तो सोच के आए थे ठंड होगी, गर्मी बहुत है भाई। ये है ऊपर का व्यू, और बहुत तेज धूप है, और घर आजा परदेसी। सो गाइस ये है ऊपर जाने की एंट्री यहां से, किधर भाई ऐसे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे गाना गाने के लिए। बस यही है हवा महल में, और यहाँ पे गाइस मकर संक्रांति है ना, काइट फेस्टिवल है फेमस, कल कल है यहाँ पे, तो अपन वो भी कवर करेंगे। किधर से भाई? यहीं से ऊपर जाने का रास्ता, उधर से भाई। ये जयपुर में ही रहता है मखदूम, लेकिन इसे खुद को नहीं पता। जहाँ से हम आए थे ये है रास्ता ऊपर जाने का। सो गाइस ये हम टॉप पे, और वो है नारगढ़ फोर्ट। यहाँ खड़ा नहीं रहना है भाई, फटाफट फटाफट अंदर चलना है ऐसे, और बस ये खिड़कियां हैं यहाँ पे। कहाँ है लाइन ऊपर जाने की? ये गाइस लाइन है यहाँ पे ऊपर जाने की, अब वेट करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। ज्यादा पतला जीना है, चलो कितना पतला जीना है। बहुत घिचपिच है यहाँ पे, राजस्थान का ही ले सकते हो बस। सो भाई ये है हवा महल, और बस ये विंडोज है यहाँ पे, ये खैर बंद कर रखी है। कुछ बस ऐसे व्यू ले सकते हैं आप यहाँ पे, बाकी हवा महल में बिल्कुल भी हवा नहीं है, बहुत धूप है।
गाइस फाइनली लाइन स्टार्ट हुई चलनी 15 मिनट के बाद। बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी हम नीचे जा नहीं सकते और अंकल बड़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली अपने को मिल गया रास्ता और ये बहुत गुस्से वाले अंकल हैं, ये अब हंस रहा है। तो भाई कुछ ऐसा था हवा महल, फटाफट बाहर निकलते हैं, यहाँ पे हवा आ नहीं रही, बहुत गर्मी है जयपुर में, दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं थी। बाकी अब फटाफट यहाँ से गाइस बाहर निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ गए हवा महल से बाहर और अब हम जा रहे हैं घर मखदूम के, क्योंकि इन्होंने बनवा रखी है बिरयानी, तो अपन बिरयानी खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर शाम में निकलेंगे। और हवा महल अच्छा था, खूबसूरत था, जैसे लोगों को देखना चाहिए ना, जैसे पुराने कल्चर में क्या होता था, पुरानी चीज़ें, मतलब बहुत खूबसूरत था। बाकी ये है बस व्यूज़ है, साइट सीन है बस, और कुछ नहीं है, खूबसूरत है, लेकिन वन टाइम विजिट बनता है। और ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो गाइस आपसे शाम में मिलेंगे।